हरियाणा के तमाम जिलों में छोटी छोटी खेल अकादमी बनी हुई है, जहां पर छोटी बच्चियां रेसलिंग को लेकर प्रशिक्षण ले रही हैं। इसमें 8 साल से 15 साल की बच्चियां भी शामिल हैं, जो कुश्ती के दांव पेच सीख रही हैं। परिजन दूर दराज से अपनी बच्चियों को पानीपत जिले के समालखा उपमंडल के गांव पट्टी कल्याणा अकादमी में सिखाने के लिए लाते हैं, ताकि उनकी बेटी भी इंटरनेशनल मुकाम पा सके। पहलवान मोनू ने बताया कि वो जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, लेकिन इसी दौरान पहलवानों के धरने का समाधान निकालने में सरकार काफी विलम्ब कर रही है, जिससे बाकी गेम पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कई गेम तो कैंसिल भी हो गई हैं। पहलवान और जो हमारे वहाँ पे हैं जंतर मंतर पे जो धरने में, उनको न्याय मिलना चाहिए। जो हमारी बहन बेटी के साथ गलत हुआ है, उसे बीरभूषण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए और उनको FIR उनके नाम से दर्ज होकर उनको सजा होनी चाहिए। और बाकी जो इस चीज़ में पहलवानों का बड़ा नुकसान हो रहा है, अगर इस चीज़ को जितना जल्दी सरकार इंडिया गवर्नमेंट निपटाएगी, उतना पहलवानों के लिए अच्छा होगा। हमारी प्रैक्टिस भी वे बुरा असर पड़ रहा है, इसके लिए सारे पहलवानों ने कंपटीशन रद्द कर दिया फेडरेशन ने, तो वो भी सब अच्छे से हो पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी भारत सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। सारे टूर्नामेंट में जो नेक्स्ट जो इस साल में है सीनियर एशियन चैंपियनशिप जो अपने देश में होनी थी, सबसे पहले तो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट है हमारे प्लेयरों के ऊपर, बहुत बड़ा नुकसान है उसका। और जो नीचे कंपटीशन होते हैं अंडर 15, कैडेट, जूनियर, अंडर 23, वे सारे पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो वो सरकार को जल्दी से इस पर अपना फैसला सुनाना चाहिए। और इस पूरे एपिसोड से पहलवानों के मन में किस तरह से एग्रेशन बढ़ रहा है? इसमें पूरे देश में ही रोष बढ़ रहा है पहलवानों को लेकर, नहीं पूरे देश में रोष बढ़ रहा है इस चीज के ऊपर। पहलवान नहीं, पूरा देश इसके लिए सड़कों पे निकलना है। सोनीपत में भी मार्च हुआ है, बाहर भी कई प्रांतों में इसमें मार्च, कैंडल मार्च कर रहे हैं लोग। तो ये न्याय की लड़ाई है, इसमें पहलवान ही सब लड़ रहे हैं और बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इससे। वहीं बच्चियों को सिखाने के लिए ला रहे अभिभावकों ने बताया कि उन्हें डर लगता है, इसलिए वे अपनी बच्चियों को साथ छोड़ने आते हैं। मेरा गांव माटा है जी, माटे से पट्टी कल्याण आता हूँ। इसमें ये बात सुनकर मैं बहुत चिंता हो रही है, लड़की उठाल हो रही कुश्ती होगी उनकी, अजीब कदर मार रहा देश में। ये BJP का है, इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आज तक ये रेस्ट नहीं हुआ। अब हम क्या करें, उन बच्चों को हम लड़ा करवा रहे हैं, तो आप चिंता करें, कोई काम नहीं चल रहा। अच्छा, गुरु शिष्य की परंपरा को भी टेढ़ी नजर से देखा जाने लग रहा है। इसी दौरान अध्यापक सतबीर का कहना है कि अगर इसका जल्दी समाधान नहीं निकला तो हरियाणा में रेसलिंग करने वाली बच्चियां इस खेल से अलग हो जाएंगी। अगर हरियाणा में रेसलिंग को बचाना है तो जल्द ही इसका हल निकालना होगा, ताकि फिर से हरियाणा की बच्चियां रेसलिंग में अपना परचम लहरा सकें। मैं सतबीर सिंह, गांव पट्टी कल्याणा का निवासी हूं और मैं दिल्ली TGT हूँ, शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। जैसे अभी ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है, ये काफ़ी गंभीर विषय है और सोचने की बात यह है कि इसमें सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को ये भी चाहिए कि जो दोषी हो, जैसे मैं अगर पहलवान दोषी हो तो पहलवानों के खिलाफ कार्रवाई करें, अगर फेडरेशन का अध्यक्ष दोषी है तो उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इस मसले को हल करें। हम यही चाहते हैं, जैसे बतौर अभिभावक सभी की चिंता, जब ये ओलंपियन पहलवान हैं इनके साथ यह हो रहा है, तो जो बच्चे कैडेट के हैं, सब जूनियर के हैं, अंडर 15 के हैं, उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, गीता फोगाट जो एक स्टार खिलाड़ी है, उसके साथ भी दिल्ली पुलिस ने काफ़ी बुरा बर्ताव किया उसके हस्बैंड के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं जा भी नहीं सकते, धरने पर भी नहीं जा सकते, आप अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। सरकार को जल्द से जल्द इसमें, मैं यही चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द इसमें संज्ञान ले और जो भी कमी है उसको फाइंड आउट करे और जल्द से जल्द पहलवान अपने ट्रैक पर लौटे। बहुत सारे कंपटीशन होने हैं, अगले साल ओलंपिक होना है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान हो रहा है, तैयारी कम हो रही है, और जो इसमें उचित लगे सरकार को, जो भी न्याय उचित हो, और न्यायपालिका से भी गुजारिश है कि सख्त सख्त दंड दिया जाए जो भी इसमें फॉल्टी हो। गौरतलब है कि पिछले 2 हफ्तों से अधिक पहलवान WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर बैठा है, जिसका सीधा असर कुश्ती सीख रहे छात्रों पर पड़ रहा है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV।